जय हिंद नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि बी एस एफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल जी हाँ दोस्तों जो तीन सौ तेईस पोस्टों पर वैकेंसी निकल के आई हुई थी इसका एग्जाम कब तक होगा क्योंकि काफ़ी भाई यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंटेशन एंड फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं अभी ये परेशान है कि इसका एग्जाम कब तक होगा हमको बता दीजिए क्योंकि मैं एग्जाम की तैयारी करूँ या फिर अभी ना करूँ क्योंकि आप सभी का इस भर्ती में टाइपिंग टेस्ट भी रखा गया है जो कि 30 वर्ड पर मिनट आप सभी को यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट आप सभी को यहाँ पर हिंदी में टाइपिंग करना होगा या फिर आप सभी यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग करना होगा दोनों में से आपको एक टाइपिंग करना यहाँ पे बिल्कुल अनिवार्य है तो अगर आप सभी को यहाँ पर पता चल जाता है कि एग्जाम कब तक होगा तो उसी हिसाब से आप सभी यहाँ पर एक एवरेज लगाकर टाइपिंग भी अपना सीखना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बता दें मेरे दोस्त आपका एग्जाम कब तक होगा ये भी मैं आपको सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथ ही आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ जो कि आपके अंदर डाउट्स चल रहा है बस वीडियो को कंप्लीट देखेगा तभी आपको यहाँ पे एक एक बात समझ में आने वाला है ठीक है तो सबसे पहले आप हम बात कर लेते हैं कि आपके जो एग्जाम है उसको लेकर काफी भाई यहां पे आपको बता रहे हैं कि अभी एग्जाम नहीं होगा भर्ती पोस्टपोर्न हो गई ये हो गई हो वो होगा तो लेकिन देखिए मेरे दोस्तों आपको किसी के बात पर या ज्यादा फोकस नहीं करना है ठीक है किसी के भी बात पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको बस यहां पर एक काम करना है जो कि मैं आपको बता दू यहाँ पे केवल आप सबको यहाँ पे प्रिपेसन करते रहना है तैयारी आप सबको करते रहना है बी एस एफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर की एग्जाम की और जैसे आप सबका यहाँ पे एग्जाम आता है जैसे ही आप सभी के यहाँ पे एडमिट कार्ड आता है जैसे आप सबका एग्जाम डेट आता है तो आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दी जाएगी क्यों परेशान हो मेरे भाई जो भी सिलेबस है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है पहले ही आप सभी केवल एग्जाम की तैयारी करिए ठीक है एग्जाम डेट की अगर मैं आपको एक संभावना रही मैं भी आपको डेट बताऊंगा तो बाकी लोग जो बता रहे हैं वही सब कुछ बताएंगे ठीक है पहले से किसी को कुछ नहीं पता है केवल हाँ इतना है कि बी हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम होना है और इसकी डेट अभी तय नहीं हो पा रही है ठीक है आज लिए आपको बता दें यहाँ पे तो आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पर जून के मंथ में होगा उससे पहले आपका एग्जाम नहीं होगा ठीक काफी भाई मेरे पास यहाँ पे समझ गए होंगे और बात करें बी एस एफ टेस्टमेंट के एग्जाम को लेकर तो उनका भी एग्जाम अब जुलाई में होने के चांसेस बन रहे हैं ठीक है तो लेकिन जून में यहाँ पे बी एस एफ हेड कॉन्स्टेबल तीन 323 पोस्टों पर वैकेंसी निकल के आई हुई थी उसका एग्जाम यहां पर होने के चांसेस बन रहे हैं अगर विभाग में सब कुछ ठीक रहा तो आपका जो एग्जाम है वो जून के फर्स्ट वीक में ही यहां पे स्टार्ट हो सकता है और मई के यानी इस, इस महीने के लास्ट वीक तक आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो सकता है ठीक है अगर दोस्तों अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं बी एस एफ कॉन्स्टेबल ट्रेसमैन भर्ती परीक्षा 2023 की तो आप सबके लिए बेस्ट बुक निकल के आ चुकी है जो कि चक्सू पब्लिकेशन की है यह बुक यहाँ पर आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बना सकती है क्योंकि आप सभी को इस बुक में 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं और आपके सिलेबस पर सौ यह बुक आधारित है जितने भी सिलेबस आपको इस बुक में समझाए गए हैं काफी सरल तरीके से आप अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं अगर आप सभी इस बुक से अपना स्टडी करते हैं तो अगर आप सभी इस बुक को परचेस करते हैं साथ ही में आपको स्टडी गाइड मिलने वाला है जिससे आप अपनी तारीख को और दोगुनी मजबूत बना सकते हैं अगर आप सभी इस बुक को ऑनलाइन माध्यम से परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहां से ले सकते हैं या आप सब इसे ऑफलाइन माध्यम से अपने मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं विभाग में सब कुछ ठीक रहा तो कोई और चीज़ विभाग में नहीं आ गई या कोई और चीज़ का नोटिफिकेशन या भर्ती नहीं आ गई तो आप सभी का इसी नहीं डेटों पर आप सभी का यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी होगा और आपका एग्जाम भी हो जाएगा तो कितने बच्चे कितने बच्चे यहाँ पर अपना फिजिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन क्वालिफाई किए होंगे वो आपको भी नहीं पता है लेकिन जितने भी किए हैं वो सारे बच्चे मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि आप सभी केवल एग्जाम की के तैयारी करते रहिए एग्जाम साथियों आप सभी का जून के फर्स्ट वीक में होने की पूरी पूरी संभावना बताई जा रही है उससे पहले भी आप सबका एग्जाम हो सकता है लेकिन लास्ट अगर बता दें कि आपका जून के लास्ट वीक सॉरी दोस्तों जून के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम होने की संभावना बताई जा रही है और इस मंथ मई के लास्ट वीक में आप सभी का एडमिट कार्ड भी आप सभी को देखने को मिल सकता है जो भी जानकारी है वो मैं आप सबको यहां पे दे चुका हूं और कोई डाउट्स वगैरह कमेंट कर, कर दीजिएगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई इस वीडियो के माध्यम से नहीं कर पाऊंगा लेकिन नेक्स्ट आने वाली वीडियो के माध्यम से जरूर कर दूंगा ठीक है आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने स्टेट का नाम जरूर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में क्योंकि मैं आपको स्टेट का जब देखूंगा तो उस हिसाब से मैं आप सबका यहाँ पे बता सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम कैसे क्या कब होने वाला है क्योंकि ये पता चलना चाहिए कि कहाँ कहाँ के बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और कहाँ कहाँ के बच्चे हैं जो कि इस वीडियो पर बिलीव करते हैं उनको पता चलता है कि हाँ आपका जो एग्ज़ाम है कब तक होने वाला है हाँ तैयारी कैसी चल रही है कितने बच्चे इस एग्ज़ाम को लेकर यहाँ परेशान हैं ये भी पता चलना चाहिए तो इसलिए आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने स्टेट का नाम जरूर लिख दीजिएगा ठीक है आपको बता दें यहाँ पे कि एग्जाम की तैयारी अगर सभी करते रहेंगे तो आप सभी एस का एग्जाम यहाँ पर आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं मतलब बी एस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम आप सभी यहाँ पर आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि तो आपने यहाँ पर फिजिकल और डॉक्यूमेंटेशन पहले ही क्वालीफाई कर लिया है तो आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि बे सब हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल में जॉब लेने का और यहाँ पर तीन सौ तेईस पोस्ट जो निकल के आई हुई थी यहाँ पर कुछ पोस्ट भी बढ़ाई गई है ठीक है तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तीन सौ तेईस प्लस पोस्ट यहाँ पे निकल के आई हुई है ठीक तो जॉब आपकी यहाँ पर पक्की हो सकती है बस अभी थोड़ी बहुत यहाँ पर तैयारी जरूर कर लीजिएगा तो वीडियो अच्छी छिली वीडियो को लाइक कर देना मैसेज कर रहा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले जाए जय भारत वंदे मातरम